तो हेलो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो ये मैंने दूध में रात में फुला दिया था। सब्जा सीड्स है, ये सब्जा सीड्स है जो तुलसी को बीज भी इसको बोला जाता है। और रात भर ये दूध में रहा और इसमें थोड़ा बहुत 4-5 दाना मैंने देख सकते हो ड्राई फ्रूट मिलाया हुआ है। ये देखिए ड्राई फ्रूट। देखिए ये मैंने बादाम मिक्स के इसमें 4-5 दाने डाल दी थी, जो बादाम काफ़ी ज़्यादा फूल गए हैं और ज़्यादा नहीं, बस 4-5 दाने ही मैं डाली हूँ क्योंकि मैं ये अपने लिए रेडी की हूँ। और ये मॉर्निंग के समय जब भी मैं नाश्ता करने बैठती हूँ तो रोज़ नहीं, मतलब वीक में 3 बार ही रहता है, तो हफ्ते में 3 बार मैं ये ले लेती हूँ। और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो इतना सा है फ्रेंड्स, इतना सा ये मैंने लिया है। फ्रेंड्स आपको ये मैं नॉलेज इसलिए दे रही हूँ कि देखिए ये नुकसान भी करता है, इसमें हाई फाइबर मौजूद होता है। तो फाइबर तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता ही है, बिकॉज अगर ये कंटिन्यू यूज करने से कभी कभी किसी को क्या है ना कि नुकसान होता है, और किसी किसी को प्रॉब्लम होती है एसिडिटी गैस ये सब, उसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। बहुत को कब्ज़ की शिकायत होती है, तो बहुत सारे लोगों को ये जब खाते हैं तो उनकी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है, बट कुछ लोगों को और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसको ये सूट नहीं करता। तो सबका बॉडी डिफरेंट टाइप का है, तो उसी हिसाब से ये उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसी हिसाब से ये अपना गुण दिखाता है। इसमें मैंने थोड़ी सी गुड़ डाल दी थी रात को, और थोड़ा मात्रा, देखो थोड़ा छाली आ गया है, वो मुझे पसंद नहीं है, तो थोड़ी मात्रा में इसमें मैंने गुड़ डाल दिया था, बिकॉज़ थोड़ी मीठा हो तो ज़्यादा ठीक लगता है थोड़ा सा। और अगर आप चाहो तो दूध के साथ इसको ले सकते हो, अगर आप पानी के साथ भी लेना है तो पानी के साथ इसको सुबह रात भर भिंगो दीजिए, और मॉर्निंग में आप जब नाश्ता वगैरह करते हो तो ले सकते हो। तो और स्पेशल रूप से जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई बीपी का है, हार्ट पेशेंट है, जो हार्ट का पेशेंट है, उसके लिए ये बहुत कहते हैं ना कि रामबाण इलाज है, तो उसके लिए ये सप्ताह में 3-2 बार आप उसको दे सकते हो। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, और जो नॉर्मल है जिसको कुछ बीमारी वगैरह नहीं है, लेकिन देखिए जैसे कि हम लोग है, ज़माना बहुत ही ख़राब है, कब क्या किसी को बीमारी हो जाए पता नहीं चलता है, तो इसके लिए फिर ये सब चीज़ अगर अपने खाने में आप यूज़ करिएगा ना, तो फिर आप थोड़ा सा बचे रहिएगा आजकल के बीमारियों से, थोड़ा बहुत बचे रहिएगा, थोड़ा सा ये रहिएगा। मैं इस टाइप से ही अपने डाइट में मैं शामिल करती हूँ, मैं जब डाइट लेती हूँ ना तो मेरे डाइट में इस टाइप से ही कुछ कुछ होते हैं, तो इसीलिए थोड़े से अपने आप को फिट रखती हूँ। और जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि मोटी हो गई, मोटापा का भी जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, सॉरी देखो आगे बहुत सारे डॉगी है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और बहुत सारे डॉगी सब है जिसको रोटी वगैरह मैं देती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में बेचारा वो जाएंगे कहाँ, कार है, कार के नीचे बैठे रहते हैं, तो इधर उधर बारिश होती रहती तो फिर उधर जाके खाना है, तो इसलिए रोटी वगैरह सब फेंक कर आई हूँ ना, तो वही हल्ला हो रहा है डॉगी का। तो फ्रेंड्स ये मैं यही बता रही हूँ कि इसका है ना साइड इफ़ेक्ट भी होता है बॉडी में, और इसका इफ़ेक्ट भी होता है, दोनों होता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है और इफ़ेक्ट भी होता है, दोनों प्रकार से होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जब सिया सीड्स के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो सब्जा सीड्स के होते हैं, दोनों के फ़ायदे एक ही जैसे ही होते हैं। और ये बॉडी में अगर आप मान लीजिए कि 15 दिन में भी या कभी भी आप इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो ये आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। नुकसान बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को ज़्यादा मात्रा में अगर आप रोज़ लोगे तो मैं कह सकती हूँ कि आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, बट इस तरह से आप खाइएगा तो ये हमारा देसी है, हमारे भारत का बना हुआ है, ये हमारे भारत के जो योगी लोग हैं और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है हमारे भारत देश के, वो खोज निकाला है, वो ये हमारे भारत का वरदान है। और आपको पता है कि हमारा भारत कितने सालों से
ये सब जो आयुर्वेदिक चीज़ है ये सब का खोजबीन करता आया है और हमारे भारत से ही चाइना जापान ने चुरा चुरा के अपना वो लोग प्रोडक्ट बनाता रहा। और यही कारण से जापान और चाइना में ये रोज़ का भोजन बन गया है। ये लोग वो लोग क्या है ना कि इसको रोज़ कुछ ना कुछ करके इसको खाते ही है, अपने डाइट में शामिल किए हुए हैं। तो बस इसके फ़ायदे ही है, नुकसान भी होता है। ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसकी हड्डियों का दर्द वगैरह, जिसको हमेशा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उसको भी ये दूर करता है। मैं इसलिए इसको लेती हूँ वीक में 2 या 3 बार, क्योंकि मेरे कमर में हमेशा दर्द रहता है, मेरी हड्डियों में, मेरे हस्बैंड भी को भी दर्द रहता है। तो इसके लिए मैं इसको लेती हूँ। और फिर आगे चल के कुछ मुझे डायबिटीज़, चाहे हाई बीपी या हार्ट अटैक या कोई भी बीमारी ना हो, इसके लिए थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। और बस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं इसी से आपका नॉलेज देती रहती हूँ कि इसका क्या है क्या नहीं है बॉडी को भी। हाँ, गर्भवती स्त्री है, जिसके गर्भवती स्त्री है वो ये ना ले, गर्भवती स्त्री के लिए ये मना है, वो नहीं यूज कर सकते, खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इतना बात करते करते मैं एक बाइट ले लेती हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो देखिए ये मैं एक बाइट ले रही हूँ, मैं खा रही हूँ। मैं ये खा ही रही थी तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लूँ। ओके, थैंक यू।